ही सुंदर एपिसोड है कि जीवन में श्रेय और प्रेय कितनी सुंदर बात है। ये क्षीर नीर करने वाला होता है, एक जो बुगुला होता है, हंस होता है, वह हंस क्या करता है कि समुद्र के किनारे कुछ जो है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी होते हैं और मोती भी होते हैं, तो जो जो वो होता है तो वह जो ले लेता है जितने भी मोती के दाने हंस चुग लेता है और पत्थर पत्थर को छोड़ देता है। वो क्षीर नीर का विवेक करता है क्योंकि वो ज्ञान रखने वाला है। उसी तरीके से हमारा जो जीवन है, और श्रेय और प्रेय दो तरह का होता है। जीवन किसे कहा जाता है, हम जन्म लेते हैं तब हमारा जीवन प्रारंभ होता है, और जब मृत्यु ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, जिसको हम आयुष्य कर्म कहते हैं, वो आयुष्य कर्म का जब पूरा भुगतान हो जाता है तो ये शरीर राम जो है राम नाम सत हो जाता है। इसके बीच के ड्यूरेशन को जीवन कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। इस लाइफ के अंदर हम श्रेय और प्रेय के दो झूलों में झूलते रहते हैं। वो कौन कौन से श्रेय है, और उसको पहले हमको विवेक जागृत करना होगा कि विवेक ये धम्म आइए, विवेक ही धर्म है। भगवान ने क्या कहा कि जयंग चरे जयंग चिट्टे जयंग मासे जयंग सहे सहे भोजन तो भाषण तो भाव का मग्न बंद ही। भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने पूछा कि हमने साधुपन तो ले लिया है, अब हम जीवन को कैसे चलावें, तो महावीर ने कहा कि उठते समय सोते समय खाते समय बैठते समय जीवन की हर प्रतीत हर प्रवृत्ति के समय जयणा करो, विवेक करो, सावधानी बरतो कि आपसे हिंसा ना हो। हिंसा क्या है कि छोटे बड़े छोटा से छोटा एक इंद्रिय प्राणी होता है और उसमें वायरस सबसे छोटा होता है, निगोद का जीव होता है। ऐसे प्राणियों से लेकर के द्वेंद्रिय त्रिएंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय के जितने भी प्राणी होते हैं उनको किसी प्राणी को दुख ना देना, ये जो है तुम्हारा विवेक है, इसको जागृत करो और तुम हिंसा से अहिंसा की ओर आओ। जब तुम्हारा जीवन संपूर्ण अहिंसामय होगा तो तुम्हारी भावधारा शुद्ध होगी और तुम किसी प्राणी को दुख ना दोगे, तो तुम्हारे नए कर्मों का चार्ज रुक जाएगा, और क्योंकि तुमने संवर आपके हाथ में है, आप ये संवर की प्रवृत्ति कर रहे हो, तो संवर के रहने के कारण आपके नए कर्मों का बंधन रुक गया और पूर्व जन्म के जो कर्म संचय हुए पड़े हैं उन संचय कर्मों को जो है वो नया प्रारब्ध नहीं हो रहा है। और नहीं, प्रारब्ध तो चल ही रहा है, प्रारब्ध तो हर क्षण चलता है, प्रारब्ध और उदय काल होता है, ये किसी भी जन्म में किसी समय रुकता नहीं है, लेकिन जो कर्म भीतर पड़े हैं उनकी निर्जरा होती रहेगी, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। ज्ञान मिलने के बाद में, महावृत्ति बनने के बाद में, अनुवृत्ति बनने के बाद में नए कर्मों का बंधन रुक जाता है और पूर्व के कर्म है उसकी निर्जरा चालू हो जाती है, बंधे हुए की। ये संवर का जो है ये उपयोग है, ये संवर का लक्षण है कि वह आने वाले कर्मों को रोक देता है, और हर संवर के साथ निर्जरा होती है, यानी वह जो है पूर्व के बंधे हुए कर्मों का झरण करता रहता है। तो ये श्रेय और भगवान ने तो ऐसा बताया। अब श्रेय और प्रेय क्या है? श्रेय का अर्थ होता है कि हम उत्कृष्ट काम करते हैं, और प्रिय क्या है कि हम राग द्वेष करते हैं, हम जो है प्रियता प्रियता का चश्मा लगाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति यही करता है, एक चश्मे पर प्रियता और दूसरे चश्मे में अप्रियता, यानी लाइक और डिसलाइक। ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक है, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य खराब है, इसने बुरा कार्य किया, इसने अच्छा काम किया, ये हम इस झूले के अंदर और दो तरह के चश्मों में करते रहते हैं, तो ये हमारा सर प्रिय है। और श्रेय क्या है? श्रेय तीसरी आंख है,
श्रेय समता की आंख है। जब शिव जी का त्रिरत्न त्रिनेत्र खुल जाता है तो शिव जी त्रिनेत्र के माध्यम से तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य के अंदर वो जो लोग बुरे लोग होते हैं उसका नरसंहार करते हैं, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि भगवान राम ने भी किया। हर महापुरुष करता है कि दुर्जनों को दंड देते हैं और सज्जनों के जो है उनके अच्छे कार्य करने का पारितोषिक देते हैं।